जय श्री कृष्ण। प्रिय विद्यार्थियों, वेक्टर एलजेब्रा के लेक्चर सेकंड में आप सभी का स्वागत है। अपन कल जो डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर, उनको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था यहाँ पे, पहले अपन इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ध्यान से सुनो क्या टॉपिक था कि अपने पास एक फंक्शन था एफ ऑफ टी, ये एक फंक्शन है, और अपन यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जो एफ ऑफ टी फंक्शन है ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को ध्यान सुनेंगे, याद रखना है आपको। नंबर फर्स्ट पॉइंट, यदि एफ ऑफ टी एक कांस्टेंट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, कांस्टेंट बोल रहे हैं। अब यहां पे वेक्टर है तो वेक्टर का मतलब इसमें डायरेक्शन भी एग्जिस्ट कर रही है और मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ टी इक्वल टू अपन क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि अपन जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। सेकंड पॉइंट ध्यान सुनो, अपन एक इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एफ ऑफ टी डॉट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, इस इक्वेशन से क्या अभिप्राय, ध्यान सुनना। इस इक्वेशन से स्टेटमेंट निकल के आता है कि यहां पर जो एफ ऑफ टी है ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट है वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। बेटा क्या कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड। इस कंडीशन के लिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। और यदि अपन बात करते हैं एफ ऑफ टी, यहां पे कौन सा प्रोडक्ट है अपना, डॉट, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, डेरिवेटिव ले रहे हैं, वेक्टर ही तो मिलेगा, दोनों का अपन क्रॉस करते हैं, और आपको जीरो मिलता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो मिलता है। तो एफ ऑफ टी वेक्टर वैल्यूड जो फंक्शन है ये क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट शो करेगा। और यदि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मिलता है अपने डेरिवेटिव के साथ, तो यहां पर डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, क्या कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनो, यहां से एक पॉइंट और निकल सकता है यदि अपन पढ़े तो। अपन ने क्या कहा, एफ ऑफ टी एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, मतलब अपन को वेक्टर वैल्यू दे रहा है। एफ ऑफ टी कौन सी वैल्यू दे रहा है, वेक्टर वैल्यू। तो ये इधर देखो, a डॉट b को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब a और b दोनों जीरो नहीं है, फिर जीरो कौन है, cos थीटा। थीटा कहां पर जीरो होता है, पाई बाई टू पर। इसका मतलब एक बात निकल के और आ गई यहां से, f ऑफ t उसका डेरिवेटिव यदि जीरो है तो f ऑफ t का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा ही, ये अपने डेरिवेटिव के साथ परपेंडिकुलर होगा, ये अपने डेरिवेटिव के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये चार कंडीशन यहां से अपन को प्राप्त हुई। अब इन चारों कंडीशनों को ध्यान में रखना है अपन को, ये एग्जाम में ऑप्शन में पूछ ली जाती हैं कि इस इक्वेशन से अपन को क्या स्टेटमेंट मिल रहा है। यहां पे क्या मिल रहा है, दो बातें निकल के आ रही हैं, एक तो एफ ऑफ टी जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है इसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, दूसरा ये अपने डेरिवेटिव के साथ परपेंडिकुलर है। दो बात निकल के आई भैया, ठीक है। यहां से क्या बात निकल के आई कि यहां पर एफ ऑफ टी है इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है ओनली, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ओनली क्या कांस्टेंट है, डायरेक्शन। अब इन चारों पॉइंटों को अपन एक बार लिख लेते हैं, तो लिखो, एडिंग डालो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं अपन इनके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट करके लिखो, या तो इफ एंड ओनली इफ करके लिख लो, या द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन करके लिखो। तो लिखो, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर एफ ऑफ टी, कौन सा वेक्टर है अपना, एफ ऑफ टी, टू बी कॉन्स्टेंट इज, क्या मिलेगा अपन को, डेरिवेटिव एफ ऑफ टी जीरो। ये फर्स्ट पॉइंट लिखो, यही पॉइंट था अपना कि जो एफ ऑफ टी है यदि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और वेक्टर भी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है।
सेकंड पॉइंट अपन इसको लिखते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन दैट ए वेक्टर एफ ऑफ टी टू बी ऑफ कॉन्स्टेंट. क्या कॉन्स्टेंट है सेकेंड कंडीशन के लिए? कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड. ओनली क्या कॉन्स्टेंट है? मैग्नीट्यूड. इज एफ ऑफ टी डेरिवेटिव एफ ऑफ टी क्या होगा? जीरो. इनको डब्बे में बंद कर दो. यदि ये कंडीशन है तो यहां पर कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड होगा ओनली. लिखो दोनों पॉइंटों को. इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहीं से. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ए वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड. ये मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट के लिए तो है. क्या बोला है? ए वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू क्या? एफ ऑफ टी का क्या डेरिवेटिव? टू इट्स डेरिवेटिव. लिखो जो एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव है वो इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर. कब? जब कॉन्स्टेंट क्या है? मैग्नीट्यूड. लिखो तीनों पॉइंटों को. इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखते हैं. अब लिखेंगे डायरेक्शन कॉन्स्टेंट के लिए. तो क्या लिखेंगे? द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन दैट ए वेक्टर एफ ऑफ टी, यही अपना वेक्टर वैल्यू फंक्शन है, टू बी ऑफ कॉन्स्टेंट. क्या कॉन्स्टेंट है? डायरेक्शन ओनली. इसके लिए क्या होगा? एफ ऑफ टी क्रॉस प्रोडक्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो. तो ये चारों प्रॉपर्टी अपने याद होनी चाहिए. लिख लो चारों प्रॉपर्टियों को, नोट करो तुरंत. चारों प्रॉपर्टियों को नोट करो और आराम से पढ़ो एकदम. ये तो लिख ली. जो अपन ने स्टेटमेंट लिखे हैं यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये याद होने चाहिए. ये अपना बेसिक है. देखो अब अपन आगे चलते हैं. तो ये तो अपन ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए. कल अपन ने स्टडी की थी जो लेक्चर था अपना प्रीवियस ईयर उसमें डॉट प्रोडक्ट की. अब अपन स्टडी करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की. तो सुनो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं. तो नोटबुक में हेडिंग डालो क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट को अपन वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि जब अपन दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अपन को आउटपुट में क्या मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी. इसलिए अपन इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं. जबकि डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला था? स्केलर प्रोडक्ट.
क्योंकि अपने पास जब दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और उनका अपन जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अपन को वहां पर स्केलर फाइंड हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी आउटपुट में, तो क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन एज, क्या और बोलते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन एज वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। अब वेक्टर प्रोडक्ट कैसे समझाएंगे अपन, ध्यान सुनो। जैसे अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी अपन ने मान ली बी वेक्टर, दोनों थीटा एंगल पर प्रेजेंट हैं। कितने एंगल पर एग्जिस्ट कर रही हैं, थीटा एंगल पर। एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस करना है अपन को, तो कैसे समझाएंगे अपन, इधर देखो। लेट टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अपन ने दो वेक्टर मान लिए, एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है बी वेक्टर, देन क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, अपन ने क्या बोला, अपने पास दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं जो थीटा एंगल पर डिफाइन हैं, तो उनको लिए अपन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इधर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस ऑफ बी और दोनों के बिटवीन एंगल साइन थीटा, वहां पर लिया था अपन ने कॉस थीटा। अपन क्या बोल रहे हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो यहां पर ये यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहां पे अपना जो एन कैप है क्या है, ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन अपन निकालें तो कैसे निकालेंगे, अपना क्रॉस देखो क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी, तो ये अपनी उंगली बी की तरफ, क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ये डायरेक्शन हो गई। तो इस डायरेक्शन को अपन 3D में इस प्रकार दिखा दें, ये अपना एन कैप है, और यदि बी क्रॉस ए बोलता उल्टा कर देता, बी क्रॉस ए, तो उंगलियां बी की तरफ, इधर देखो ऐसे घुमाएंगे, तो डायरेक्शन क्या हो गई, इनसाइड, और ए क्रॉस बी में आउटसाइड। यदि अपन यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ले, परिमाण ले, तो यूनिट वेक्टर का मोड होता है, यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कितना मैग्नीट्यूड होगा, 1, तो क्या आ जाएगा, ये नोट करो अपना क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन, ये मैथमेटिकल नोट करो, क्रॉस प्रोडक्ट का मैथमेटिकल लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन एज वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर मान लिए अपन ने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार डिफाइन करेंगे अपन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए क्रॉस बी, तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, दोनों के बिटवीन एंगल साइन थीटा एन कैप। लिखो, समझ में तो आ रहा है ना, लिखो फिर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इधर देखो, अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसके गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, एक बात सुनो, जैसे अपन ने वहां पे बोला था डॉट प्रोडक्ट के अंतर्गत कि डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और यहां पर
ए क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अभी पढ़ी थी डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए की क्या आई थी, अपोजिट, तो अपोजिट के लिए क्या जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है। सेकंड पॉइंट, जैसे अपने पास साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो यूनिट वेक्टर आई कैप एक्स डायरेक्शन में, ये अपनी एक्स डायरेक्शन है, मान लो ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप, तो साइक्लिक शो करें तो आई कैप जे कैप के कैप। तो इधर देखो, यदि अपन यूनिट वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, साइन थीटा, एन कैप, तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या हो जाएगा, अपन दोनों का मॉडुलस निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वन आ जाएगा यूनिट वेक्टर का, साइन थीटा स्वयं का स्वयं के साथ एंगल, सेल्फ एंगल कितना होता है, थीटा बराबर जीरो, साइन जीरो का मान कितना आ जाएगा, जीरो। तो आई का अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ किया, आई के साथ, फिर अपन आई क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, इधर देखो साइक्लिक को, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा, डायरेक्शन सही है के कैप, ऐसे ही आई कैप पहले आई के साथ किया फिर जे के साथ, के कैप आई कैप के कैप, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, क्या जाएगा, एंटी साइक्लिक बन गया, माइनस जे कैप। ऐसे ही अपन नौ टर्म व्यक्त करेंगे, पहले आई के साथ तीनों टर्म व्यक्त की, फिर जे के साथ, फिर के साथ, तो अपन इसको जर्नल फॉर्म में लिख देते हैं, इन जर्नल फॉर्म कैसे लिखेंगे, इधर देखो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप एप्सिलॉन आई जे के, ये एप्सिलॉन आई जे के क्या होता है, एप्सिलॉन आई जे के क्या होता है, इसे बोलते हैं लेवी सेवेटा, क्या बोलते हैं इसको, लेवी सेवेटा। इसके मान कैसे पुट करते हैं, इधर देखो एप्सिलॉन आई जे के ये तीन वैल्यू देता है, वन माइनस वन जीरो, प्लस वन कब देगा, कंडीशन सुनो, इफ ऑल आई जे के आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है, अलग अलग हैं, एंड साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब जैसे आई कैप इसके बाद जे कैप फिर के कैप फिर आई कैप, साइक्लिक है, जैसे अपन बात कर रहे थे आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, के कैप, कैसे लिखा है आपने, आई कैप और जे कैप डिफरेंट है और साइक्लिक प्रोसेस का फॉलो कर रहे हैं, इधर देखो के कैप लेवी सेवेटा का मान कितना हो जाएगा, प्लस वन, यही पुट किया है अपन ने यहाँ पे प्लस वन। और यदि अपन इसकी बात करते हैं आई कैप क्रॉस के कैप डिफरेंट तो हैं, डिफरेंट हैं, देखो आई कैप के कैप, अब देखो एंटी साइक्लिक है तो एंटी साइक्लिक में क्या आएगा, माइनस वन, माइनस वन। इफ ऑल डिफरेंट एंड एंटी साइक्लिक, और जीरो कब होगा, जब डिफरेंट नहीं हो, सेम हो, ये जैसे आई कैप तो लेवी से बेटा का मान जीरो जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपन को, जीरो। तो ये अपना नोट कर लो प्रॉपर्टी। एकदम बेसिक चल रहा है अपना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आई जे के को लेवी सेवेटा। लिख लिया ये, इधर देखो अपनी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं अपन।
क्या बोल रहे हैं इधर देखो, जैसे आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, कैलकुलेट करना ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप और आपको बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो डिटरमिनेंट से ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप ए वेक्टर, ए के कोफिशिएंट लिखेंगे यहां पे, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है ए एक्स ए वाई ए जेड क्रॉस बी, तो बी के लिए लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हैं अपन, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, देखो इसको ध्यान से सुनो, अपन क्या बोल रहे हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ध्यान सुनो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट अपना जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट्स व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम क्या होता है, अपने समांतर चतुर्भुज को अपन पैरेललोग्राम बोलते हैं, तो इसके एरिया को व्यक्त करता है साहब, कैसे एरिया को व्यक्त करता है, इधर देखो एक मिनट ध्यान सुनो, ये अपना पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज, इसको नाम अपन ए दे दिया, इसको बी दे दिया, या इनके नाम पी क्यू आर एस दे दो, तो ये अपन ने ए वेक्टर डिफाइन कर दिया, ये अपन ने बी वेक्टर डिफाइन कर दिया, कितने एंगल पर प्रेजेंट मान लिया, थीटा पर, ये अपना समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं अपन, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का कैसे निकालते हैं भाई, बेस इनटू हाइट, बेस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया ए, इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बी, तो बेस तो कितना है ए, ये लिख दिया ए, इनटू हाइट ये आप कैलकुलेट कर सकते हो लाल बटे का कहाँ से, या कंपोनेंट तोड़ लो थीटा का परपेंडिकुलर, इधर देखो बी का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर ब्रेक करेंगे थीटा, बी का कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे तो बी कॉस थीटा, और सामने क्या आ जाएगा बी साइन थीटा, तो ये हाइट आ गई, तो क्या आ गया ए, और मल्टीप्लाई बी साइन थीटा, ये क्या है एरिया, एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर, तो यूनिट वेक्टर अपन ने क्या लगा दिया एन कैप, तो क्या आ गया एरिया ए बी मल्टीप्लाई है अपना साइन थीटा एन कैप, क्या बन गया ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी, तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया पैरेललोग्राम को, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट और ये क्या आ गया अपना एरिया, आगे बात समझ में, तो ये पॉइंट ध्यान से याद रखना कि अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, करो नोट। तो ये अपनी चार प्रॉपर्टी हो गई और एकदम इजी है ये, इधर देखो ध्यान सुनो, इस फिफ्थ प्रॉपर्टी को ध्यान सुनना, क्या बोल रहे हैं अपन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान सुनो, क्या लिखा है, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय सदिश जो एक ही रेखा में स्थित हो, कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, सुनो अपने पास जैसे दो वेक्टर हैं, जैसे अपने पास दो वेक्टर मान लिए अपन ने, एक ए वेक्टर मान लेते हैं और एक बी वेक्टर मान लेते हैं, तो ये लिख दिया अपन ने टू वेक्टर
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉन एज कोलिनियर वेक्टर। ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, संरेखीय सदिश कहलाएंगे। टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉन एज कोलिनियर वेक्टर, कब कहलाएंगे, ये कौन सी कंडीशन का फॉलो करेंगे, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, इस कंडीशन का फॉलो करेंगे। यहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा एक नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। इधर देखो कैसे, एक मिनट ध्यान सुनो, कोलिनियर वेक्टर को ध्यान सुनो, ये अपने पास पॉइंट एक ओ है, ये ए है, ठीक है, ये चार मीटर की एक डिस्टेंस है। यहां पे अपन एक पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, जैसे ये अपन ने एक पॉइंट डिफाइन, इसको चार पॉइंटों में डिफाइन कर देते हैं इक्वल में, एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, इसको पॉइंट अपन दे देते हैं पी, इसको क्यू और इसको आर, ये वन मीटर डिस्टेंस पे है, इधर देखो, तो अपन को ये वन मीटर, ये वन मीटर, ये वन मीटर, ये वन मीटर, फोर मीटर हो गया। अब अपन को OA वेक्टर ओपी के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, फोर ओपी वेक्टर। तो ये फोर क्या है, लैम्डा। यदि अपन को OA वेक्टर, ध्यान से इधर देखो, पी क्यू के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, फोर पी क्यू वेक्टर। तो ये फोर क्या है यहां पे, लैम्डा। तो ये पॉइंट अपने लीनियर पॉइंट कहलाते हैं, और इन वेक्टर को अपन बोलेंगे लीनियर वेक्टर। अब अपन ध्यान से देखें तो लीनियर वेक्टर यहां पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर क्या हो गया यहां पे, जीरो। थीटा बराबर पैरेलल पोजीशन आ गई ना, थीटा बराबर क्या हो गया, जीरो। और थीटा जीरो होता है, अपना क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, ए क्रॉस बी, तो उसमें मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, थीटा जीरो है तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर के लिए, किसके लिए, कोलिनियर वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी, जैसे अपन ने यहां पे डिफाइन किए थे, ए वेक्टर एक वेक्टर है अपने पास और बी एक वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है कोलिनियर के लिए, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो या ये कंडीशन, ये इसी से निकाली है अपन ने। तो ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप में लिख सकते हो, हालांकि इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी अपन, एक बार ये लिखो कॉन्सेप्ट। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, संरेखीय सदिश होता है, मतलब एक ही पॉइंट में वेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, पैरेलल वेक्टर होने चाहिए। लिखो लिख लिया, तो कोलिनियर वेक्टर से रिलेटेड भी अपन क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक बार एक टॉपिक और पढ़ते हैं अपन, इधर देखो, जैसे अभी अपन ने एरिया कैलकुलेट किया था पैरेललोग्राम का, तो यदि एरिया कैलकुलेट करवा ले ट्राइंगल का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इधर देखो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ये अपन ने एक ट्रायंगल बना दी, इसको पॉइंट नाम दे दिया पी, इसको क्यू, इसको नाम दे दिया अपन ने आर। इधर देखो, अपन को एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए यदि अपन बात करें तो वर्टिक्स के लिए ए पॉइंट डिफाइन कर दिया वेक्टर,
इसके लिए बी, इसके लिए अपन ने सी। हाँ भाई, अब अपन को एरिया निकालना है, तो एक मिनट इसको ध्यान से देखना। ये अपन ने थीटा एंगल पे मान लिया, ये पैरेललोग्राम ही तो बन गया। तो पैरेललोग्राम है, इसमें जो ट्राइंगल है, यदि अपन इसका कंप्लीट एरिया बात करें तो पैरेललोग्राम का हाफ कर दें तो ट्राइंगल का एरिया हाथ हो गया। ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल एरिया है जो अपने ट्राइंगल का, वो ट्वाइस हो जाए तो पैरेललोग्राम का ही तो निकल के आ रहा है, तो उसका हाफ कर देंगे तो किसका निकल के आ जाएगा, ट्राइंगल का। कैसे? इधर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ, और अपन ने क्या एरिया निकाला था क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो क्या आ जाएगा पी क्यू वैक्टर क्रॉस पी आर वैक्टर हाफ, हाफ ही तो गया नहीं एरिया। हाँ भैया, इधर देखो पी क्यू वैक्टर को अपन कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, इधर देखो पी आर को क्या लिख सकते हैं सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हाँ भाई, अब क्रॉस प्रोडक्ट है ना, पी क्यू को क्या लिखा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्रॉस ऑपरेशन लगा दिया। इधर देखो, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखो, बी क्रॉस सी, इसी प्रकार करते हैं क्रॉस, बी माइनस आएगा पहले क्रॉस ए, साइन लगा दिया, बी का दोनों के साथ कर दिया ए का करते हैं, तो माइनस ए क्रॉस सी, माइनस माइनस प्लस, और सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए, जैसे आई क्रॉस आई क्या था जीरो, क्या जाएगा हाफ बी क्रॉस सी। अभी अपन बात कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है, अर्थात ए क्रॉस बी को अपन क्या लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए, तो अपन यहां पे साइन चेंज हो गया, देखना इसको इस प्रकार लिख सकते हैं सी क्रॉस ए, ये अपना एरिया आ गया ट्राइंगल का, करो नोट। तो ये अपनी किसकी प्रॉपर्टी चल रही है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, आराम से नोट करो। इधर देखो, ये अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब अपन पढ़ते हैं ट्रिपल वेक्टर के लिए। अभी अपन ने डबल वेक्टर के लिए स्टडी की थी, जैसे ए और बी, अब यदि सी और हो तो ट्रिपल वेक्टर के लिए स्टडी करते हैं। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, अपने पास तीन वेक्टर हैं, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये अपन ने तीन वेक्टर मान लिए, तीन वेक्टर हैं। अब अपन को ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दें, ए एक्स आई कैप, ध्यान से देखना, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ऐसे बी वेक्टर को लिख देते हैं बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, और सी वेक्टर को सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप, सी जेड के कैप। ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, कैसे व्यक्त करते हैं, इधर देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी, इधर देखो
ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और इसका डॉट करेंगे तो अपन क्या मिलेगा, स्केलर। तो स्केलर को कैसे लिखेंगे अपन, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो यहां अपने कोफिशियंट क्या मान रखें, स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल में लिख दो इनको, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको एक डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो गई है, तो ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी, इसकी डिटरमिनेंट ही तो है ये, ठीक है। एक मिनट ध्यान से सुनो, अपन क्या बोल रहे हैं, इफ यदि जो ये आपकी डिटरमिनेंट है ए बी सी, यदि ये जीरो है, जो आपकी डिटरमिनेंट है, यदि ये जीरो है, या ऐसे बोल दो कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसको अपन बोलते हैं हेयर, यदि ये जीरो है तो क्या बोलेंगे, देन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन एज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, कौन सी कंडीशन में, जब अपने पास ए डॉट बी क्रॉस सी का मान क्या है, जीरो, तो इसे बोलेंगे, इसको हाईलाइट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, वो बोलता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, इसका मतलब वहां पर जो आपको जो वेक्टर दे रखे हैं उनका ए डॉट बी क्रॉस सी का मान कितना है, जीरो। इसको अपन कोप्लेनर भी बोलते हैं, कोप्लेनर के नाम से डिफाइन हो जाता है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का मान जीरो है तो ने कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब समतल है, एक ही तल में प्रेजेंट है वेक्टर, लिख लो ये, नोट करो इस पॉइंट पर मोस्ट लगा देना, अच्छा पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि लीनियरली डिपेंड वेक्टर या कोप्लेनर क्या होते हैं, जिनके लिए ए डॉट बी क्रॉस सी का मान कितना होता है, जीरो, लिख लो। अब न्यूमेरिकल करेंगे अपने इससे कनेक्टेड, ये तो अपने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, यदि ऐसा हो तो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट जिसमें आपको वेक्टर मिले, तो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट जैसे आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसको अपन कैसे ऑन करेंगे, इधर देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ये वेक्टर मिलेगा, अपन देखो बी क्रॉस सी को अपन सॉल्व कर रहे हैं, क्या आएगा एक वेक्टर, फिर उसका ए वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो भी क्या मिलेगा, वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर मिलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, बी वेक्टर ए डॉट सी माइनस सी वेक्टर ए डॉट बी, लिख लो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, वेक्टर अलजेब्रा में आगे काम आएगा, करो नोट। ये ट्रिपलर, ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है, वो स्केलर था, वहां पे आउटपुट स्केलर मिलता था, यहां पे वेक्टर मिलेगा। देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यहां पे यूनिट वेक्टर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब डायरेक्शन नहीं होगी तो स्केलर है, यहां पर अपन को डॉट प्रोडक्ट है तो ये तो स्केलर हो गया, लेकिन ये वेक्टर है, ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर है, तो वेक्टर वेक्टर सबट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर मिलेगा। लिख लिया, अब अपन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेसिक से, लिखो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो पहले, लिखो कुछ प्रॉब्लम जो बढ़िया प्रॉब्लम है,
आपको दे रखा है इसने, ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। ये बोल रहा है एफ ए वेक्टर आई कैप प्लस फोर के कैप एंड बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस फोर के कैप देन फाइंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आराम से कर सकें करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अपन को ए वेक्टर क्या दे रखा है आई कैप प्लस फोर के कैप और बी वेक्टर क्या दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस फोर के कैप। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, अपने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे अपन को किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर किससे व्यक्त करते हैं एन कैप से। किसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है ए क्रॉस बी की, यही तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ही दिखाता है एन कैप। तो इसका वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन जिस वेक्टर की, जैसे अपन को ए कैप निकालना है तो ए का वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस, ऐसे अपन को किसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है ए क्रॉस बी की तो अपॉन इसका मॉडुलस, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। इधर देखो एन कैप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करें पहले, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं भैया, ए क्रॉस बी अभी आपको कैलकुलेट करना समझाया था आई कैप जे कैप के कैप ए, आई कैप का कोफिशियंट 1 0 4 1 1 1 अच्छा 4 है के 4 क्या आ जाएगा इधर देखो ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे आई कैप क्या आएगा 0 हो गया 4 0 माइनस 4 माइनस जे कैप अल्टरनेट साइन आते हैं 1 माइनस 4 सॉरी 4 4 0 जाएगा प्लस के कैप 1 माइनस 0 तो ए क्रॉस बी इक्वल माइनस फोर आई कैप ये 0 हो गया ये प्लस के कैप और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर करके रूट निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा क्या निकालना है अपन को एन कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी तो एन कैप कितना मान है माइनस फोर आई कैप प्लस के कैप ये अपना एन कैप आ गया। करो नोट ये अपने एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे अपन ने 11th क्लास में पढ़े थे। इसके बाद लिखें क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो आपको दे रहा है वो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो, बोल रहा है कंसीडर थ्री वेक्टर थ्री यूनिट वेक्टर कंसीडर थ्री यूनिट वेक्टर
ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी रूट थ्री बाई टू सी वेक्टर। आपसे क्या कहा है, कंसीडर थ्री यूनिट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी रूट थ्री बाई टू सी वेक्टर। फिर आपसे बोल रहा है देन फाइंड, देन फाइंड एंगल, एंगल कैलकुलेट करवा रहा है अपन से, देन फाइंड एंगल मेड बाई ए वेक्टर विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और आपसे क्या बोल रहा है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉट पैरेलल, ये बोला है आपसे। तो आपको क्या दे रखा है, अपन को तीन वेक्टर दे रखे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और आपको क्या कैलकुलेट करवा रहा है, ए का बी के साथ और सी के साथ क्या एंगल है, और आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं इसने, क्या ऑप्शन दे रखे हैं, इधर देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसने और फोर्थ दे रखा है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो इधर देखो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था अपन ने, क्या था अपना ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट फार्मूला क्या था अपना, सॉल्यूशन करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, क्या फार्मूला था अपना, बी वेक्टर ए डॉट सी माइनस सी वेक्टर ए डॉट बी, यही था अपना भैया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू रूट थ्री बाई टू सी वेक्टर, बी वेक्टर ए डॉट सी, सी ए डॉट बी। हाँ भैया, अब अपन क्या करते हैं, यहां पर इधर देखो ये क्या है, सी वेक्टर का कोफिशियंट है और इधर सी वेक्टर, ये कोफिशियंट हो गया ए डॉट बी, बी वेक्टर का कोफिशियंट क्या है ए डॉट सी, इधर जीरो मान लें अपन, तो ऐसे लिखते हैं जीरो डॉट बी वेक्टर। तो अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं यूजिंग इक्वलिटी प्रॉपर्टी, तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वलिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए डॉट सी बी का कोफिशियंट है और यहां पे बी का कोफिशियंट जीरो, तो ए डॉट सी जीरो आ गया अपना, तो क्या आ गया ए डॉट सी जीरो कब होगा, डॉट प्रोडक्ट में, जब थीटा का मान कितना हो पाई बाई टू या 90, तो ए का सी के साथ एंगल, ए का सी के साथ 90, ये ध्यान रखना क्या बोल रहा है, ए का बी के साथ फिर सी के साथ, तो पहला एंगल बी के साथ आएगा, तो बी के साथ तो 90 नहीं है, किसके साथ आया है अपने पास 90, सी के साथ, तो बी के साथ कितना एंगल होगा। अब अपन सी वेक्टर के कोफिशियंट का कंपेरिजन करते हैं, इधर देखो सी वेक्टर कोफिशियंट यहां पे कितना है रूट थ्री बाई टू और उधर क्या है माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इधर लगा रूट थ्री बाई टू, ये लिख दिया अपन ने। इसको यदि अपन ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी को ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, क्या बोला है कंसीडर थ्री यूनिट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की तरह, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया वन वन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये अपना माइनस चल ही रहा है तो माइनस कॉस थीटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन वन रूट थ्री बाई टू, कॉस थीटा माइनस
कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको ऐसे लिख दें कॉस पाई माइनस थीटा रूट थ्री बाई टू, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा ही तो होता है, हाँ रूट थ्री बाई टू मान कहाँ पर होता है कॉस का, कॉस तीस का मान होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई सिक्स, तो क्या आ गया पाई माइनस थीटा कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इधर कर दिया, पाई पाई माइनस सिक्स कितना आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स, कैलकुलेट करेंगे तो 180 पुट करके बाई सिक्स 150, तो बी के साथ एंगल कितना डिफाइन हो रहा है 150 और सी के साथ 90, ये अपना ऑप्शन हो, करो नोट। और कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना, करो नोट, थोड़ा एक्टिव होके पढ़ो। अब कुछ कोलिनियर के क्वेश्चन लिखो, कोलिनियर को वेक्टर के, जैसे आपको क्या दे रखा है, सुनो क्या बोल रहा है, इधर देखो आपसे कह रहा है, आगे क्वेश्चन, इफ द वेक्टर 2i कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप एंड 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप और क्या बोला है आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, आपको क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और क्या कंडीशन दे रखी है, कोलिनियर है, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं तो एक को अपन ने मान लिया ए वेक्टर, क्या दे रखा है टू आई कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और बी वेक्टर क्या दे रखा है फोर आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप। अब आपको कोलिनियर के लिए कंडीशन समझाई थी, क्या कंडीशन थी कि वेक्टर हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा जीरो, ए क्रॉस बी आपको क्या मिलेगा जीरो, तो इसको सॉल्व करें ए क्रॉस बी कैलकुलेट करें तो आई कैप जे कैप के कैप, कोलिनियर की यही तो कंडीशन थी अपनी, ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहे हैं तो टू माइनस क्यू प्लस थ्री, फोर माइनस फाइव इसको सॉल्व करेंगे ए क्रॉस बी बराबर जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इधर देखो आई कैप सिक्स क्यू ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस जे कैप क्या आएगा जीरो हो जाएगा, ये तो अपना जीरो हो गया टर्म, प्लस के कैप, के कैप क्या आएगा माइनस दस प्लस का फोर क्यू इक्वल टू जीरो, क्या आ गया देखो। अब यदि अपन यहां पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जीरो आई कैप कोफिशियंट जीरो प्लस जीरो के कैप और कंपैरिजन कर दें तो क्या जाएगा माइनस सिक्स क्यू कैप सिक्स क्यू फिफ्टीन
इज इक्वल टू जीरो, तो 6q ट्रांसफर कर दिया तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से भी निकाल सकते हो माइनस 10 प्लस 4q, यही मिलेगा अपन। ये अपनी कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन थी ए क्रॉस बी बराबर जीरो। इसे अपन एक कंडीशन और पढ़ी थी उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसे लिखो वो क्या कंडीशन थी अपनी, इधर देखो कोलिनियर की याद करो, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, कोलिनियर कंडीशन थी लेकिन लैम्डा नॉन जीरो। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वेक्टर क्या है अपना, और लगा के लिख लो इस मेथड को, सेकंड मेथड को, टू आई कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस थ्री के कैप लैम्डा, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा, बी वेक्टर की फोर आई कैप फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप, क्या आ जाएगा अपना। यदि अपन यहाँ पे कंपैरिजन करें, दोनों तरफ कंपैरिजन करें, अपन को क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या ट्रांसफर कर लो एक बार कंपैरिजन करें तो क्या आ जाएगा, टू इज इक्वल टू फोर लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई टू, आई कैप और आई कैप के कोफिशियंट कर लो, ये आ गया अपने पास लैम्डा का मान। अब अपन जे कैप के कोफिशियंट का कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर कितना है माइनस क्यू, और यहाँ पर जे कैप का कोफिशियंट देखें तो माइनस फाइव लैम्डा, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्यू फाइव, लैम्डा का मान कितना है वन बाई टू, तो क्यू कितना आ गया फाइव बाई टू, यही मिल रहा है ना। तो ये इजी मैथड है डायरेक्ट, इसे भी नोट कर लो। तो ये दोनों अपने कंडीशन को लीनियर की थी, दोनों याद होनी चाहिए अपने। और नोट करो, जैसे अपन कोप्लेनर का क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है अपन से, लिखो इफ द वेक्टर्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड थ्री आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस फाइव के कैप आर कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको तीन वेक्टर दे रखे हैं और ये कोप्लेनर दे रखे हैं, तो आपसे बोल रहा है कि ए की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान सुनो, कोप्लेनर की कंडीशन क्या है, सबसे पहले इनको वेक्टर के इक्वल लिख देते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और अपना बी वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, और सी वेक्टर थ्री आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस फाइव के कैप। फोर कोप्लेनर कंडीशन, फोर कोप्लेनर क्या कंडीशन है अपनी, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इस डिटरमिनेंट ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू जीरो, तो ए डॉट बी क्रॉस सी को डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप,
यहाँ पे आई कैप का कोफिशियंट 2 माइनस 1 प्लस 1, 1 2 माइनस 3 क्या है 3 a 5। तो डिटरमिनेंट को अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी की थी, और इसके बाद में आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की कंपैरिजन कर देंगे, इक्वलिटी लगा देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। करो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो, डिटरमिनेंट को करो सॉल्व। तो डिटरमिनेंट को आराम से सॉल्व कर लेंगे तो यहां से अपनी ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम करना है अपन को। अब एक बात ध्यान सुनो, अपन अभी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये अपन को आना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अपन एडवांस लेवल की प्रॉब्लम शानदार जो एग्जाम में आती है नेट गेट जेएमके में, उस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो आपको पहले तो यहीं पे बोर्ड पे ही सॉल्व करवाएंगे आपको, इसके बाद में जो अपना आईपीएस के नाम से है असाइनमेंट तो वो आपको दे देंगे, उसमें सभी प्रॉब्लम दे रखी हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, और अपन कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आगे जो डिस्कस करेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक छोटी प्रॉब्लम आ रही होगी, छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही होगी आपको कि जैसे नोट करने में, तो आप जानते हो ज्ञानी हो, लेक्चर को पोज करके आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, और हल्का सा एक्टिव रहो, जब तक एक्टिव नहीं रहोगे मज़ा नहीं आएगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आराम से मस्त रहो और पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू।